हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। अब आपका टेस्ट टाइम स्टार्ट हो गया है, टेस्ट चलेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से लर्न कर रहे होंगे, घर पे आप पढ़ रहे होंगे। छोटे छोटे आपके चैप्टर हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चों कि आप घर पे बैठे हो तो सिर्फ आपका वीडियो देखना है और आप जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना है। इतना ही नहीं करना है, आपको ये चीज़ें समझनी भी है, याद भी करनी है। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछना भी है, आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई भी कम ही कर रहे हैं जो बच्चे नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको पढ़ना है, आपके फिर से अगर एग्ज़ाम होते हैं तो ये रिविज़न चलेगा। अब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करती हूँ और मैं उसमें डालती हूँ कि ये वाला चैप्टर आप लर्न करिए, तो आप उसको हाथों हाथ लर्न करेंगे। जैसे मैंने कल डाला था कि आप ये जो दो पेज हैं वो याद कीजिए, इसका टेस्ट होगा। तो कक्षा जांच, ये दोहरान वाला कक्षा जांच है। ये क्लास टेस्ट जो है वो आज ही आप मुझे करके भेजेंगे, हाथों हाथ करके इसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। अभी आप करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा और मात्राओं की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर इसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज देना, शाम तक आप भेज ही देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि मुझे भी ये पता चले कि हाँ आपने लर्न किया है। और जितनी जल्दी आप भेजेंगे उतना ही ये पता चलेगा कि आपने लर्न किया है। बहुत ही ईजी टेस्ट है, बहुत आसान है। 5 ही शब्द मैंने दिए हैं, अनेक अर्थ वाले शब्दों का जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा था, थोड़े दिन पहले ही लास्ट वीक में ही पढ़ा था, वही है। अनेक अर्थ शब्द और अनेक अर्थ वाले शब्द एक ही बात है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखिए, जो आपका टेस्ट है वो 10 नंबर का है, यानी एक एक के लिए 2-2 मार्क्स है आपके। निम्न अनेकार्थी शब्दों के 2-2 शब्द लिखिए। पहला आपका शब्द है जल। अब जल के आपको यहाँ पे 2 अर्थ लिखने हैं, जल के कौन कौन से अर्थ में जल का प्रयोग होता है, ओके। दूसरा है पूर्व। पूर्व के भी 2 अर्थ लिखने हैं कि कौन कौन से अर्थ में पूर्व का प्रयोग होता है। लाल शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं कि लाल शब्द जो है वो कौन कौन से अर्थ में प्रयोग होता है। और पत्र, पत्र के भी 2 अर्थ लिखने हैं कि पत्र कौन कौन से अर्थ में प्रयोग होता है, ओके। जग शब्द है, उसके भी 2 अर्थ लिखने हैं कि कौन कौन से अर्थ में जग शब्द प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, आप यह नहीं सोचेंगे कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये नहीं जुड़ा। आपको यह टेस्ट करना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपल्सरी है, आपको टेस्ट करना ही है। और आज शाम तक ही आप मुझे इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे, क्योंकि नेक्स्ट फिर वीक में हमारे टेस्ट ही चलेंगे। इसलिए आप ये लर्न करते रहिएगा, ताकि आपके जब भी एग्ज़ाम आएंगे तो ये आपका लर्न किया हुआ आपके काम आएगा, ओके। थैंक यू।